अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दुगना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों फाइनली और बड़ा अपडेट यूपी के किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना कम में बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको यहां वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कि योगी जी ने यहां पे बोला गया है कि आपको जो भी पैसा है यानी अब किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा और नया भारत बनाया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 15वीं किस्त जो भी का पैसा रह गया है और आपको नहीं मिला है तो उस पर बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। अब किसानों की होगी बल्ले बल्ले और मिलेंगे यहां पर खुशखबरी, क्योंकि अब किसानों की जो है आय हो सकती है डबल, यानी 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या क्या अपडेट आया है हम आपको सब कुछ यहां पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा 5 साल बेमिसाल और मोदी की गारंटी के साथ 6000 रुपए आपको यहां पर अब तक मिला है। 2025 तक आपको 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए आपके बैंक खाते में आने की यहां पर संभावना है और ये पैसा उन किसान भाइयों को ही मिलेगा जिन किसान भाइयों ने अपनी ईकेवाईसी लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग को कंप्लीट कर रखा है। ये पैसा उन बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाला है। कब होगा मैं अभी आपको यहां पर बताऊंगा और 18वीं इंस्टॉलमेंट पे भी बड़ा अपडेट यहां पर यूपी सरकार ने दे दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट यहां पर आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में या फिर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने यहां पर किसानों को 5 साल बेमिसाल यानी किसानों के लिए बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। आप यहां पर भी देख सकते हैं बड़ा अपडेट है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में। अगर आपने ईकेवाईसी नहीं करी है तो आप फटाफट से जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको हर साल ईकेवाईसी करवाना पड़े तभी आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिख के दे दिया गया है, इस वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है यहाँ पर हम आ चुके हैं। ट्विटर अकाउंट भी हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ पर देख सकते हैं आत्मनिर्भर किसान बनेगा। यहाँ पर किसानों के लिए बड़ा अपडेट है, अब किसानों को काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है वो होने वाला है, स्वयं ही ईकेवाईसी करेगा। अगर आप यहाँ पर ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलने वाला है, चाहे आपका 2000 हो या फिर 3000 हो या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी आप पीएम किसान एप्लीकेशन को डाउनलोड के उसके माध्यम से भी आप ईकेवाईसी अपने चेहरे के थ्रू कर सकते हैं। बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ लिख के दे दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए डॉक्यूमेंटो को अपलोड करें और आधार से सक्रिय करें जिससे खाता आपका लिंक हो जाए और आपको यहां पर पैसा मिल सके। आप यहां पर देख सकते हैं सरकार काफी सारा जोर दे रही है किसानों के लिए, क्योंकि किसान अगर इसमें अपडेट नहीं करता है तो उसको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा। ये देखिएगा ट्वीट क्वांट है और यहां पर ट्वीट करके बता दिया गया है कि आप अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा तभी आपको यहां पर 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने वाला है। तो देखिए काफी बड़े अपडेट यहां पर दे दिए गए। अगर आप भी किसान हैं तो जल्द से जल्द जाकर आप अपनी ईकेवाईसी या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहां पर आप किसान आईडी बनना कंपलसरी है, यानी अगर आप किसान आईडी नहीं बनवाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हैं तो को यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर पोस्ट के माध्यम से भी बता दिया है। आप ट्विटर अकाउंट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ यहां पर दे दिया गया है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेना अब होगा हार्ड, क्योंकि आपको यहां पर जो भी किसान भाई अगर आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं आधार से सक्रिय बैंक को आपको अपडेट करना है, ईकेवाईसी यहां पर कर लेनी है, यहां पर सब कुछ दे दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में भी आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर किसानों को हर साल हो सकती है केवाईसी, यानी आपको हर साल, यानी अभी तक तो जो केवाईसी ऐसे होती थी, अब आपको अपना स्टेट को चेक कर लेना है, अगर वहां पे ई केवाईसी का एरर आ रहा है तो वहां पर भी आपको ई केवाईसी यहां पर करना पड़ सकती है। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपको पता होगा हमारे देश में या फिर हम जो लाभ ले रहे हैं तो उसमें से कुछ किसान जो है वो
चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उन किसान भाइयों के खाते में पैसा जाता रहता है सरकार की तरफ से, तो पता नहीं चलता। तो इसी के लिए जो है वो अब ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने ई केवाईसी नहीं करी है तो आपको ई केवाईसी जरूर करा लेनी है। तो किसान भाइयों, बहुत बड़ा अपडेट है, आप यहां पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है यहां पर लाभ लेने के लिए 6,000 रूपये की जो मदद है सरकार देती है, और उसमें अब जो पैसा है वो यहां पर बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का अंकित किस्तों को लाभ पाना है तो आपको ई केवाईसी करना है, तभी आपको यहां पर मिलेगा। देख सकते हैं यहां पर बहुत बड़ा अपडेट यहां पर दे दिया गया है।